नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और लेकर आया हूं आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए एक नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। माफी नहीं मांगने पर अड़े प्रशांत भूषण, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा सजा पर फैसला। यमुना एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई क्रूजर कार, मासूम सहित 3 की मौत, 15 लोग घायल। विधानसभा सत्र की अवधि पर संशय बरकरार, नहीं उठ सकेंगे दक्षिण हरियाणा के कई मुद्दे। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में अपनी आस्था जताई। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। एक दिन पहले अवैध वाहनों को जब्त करवा रहे मंत्री मूलचंद शर्मा भी कोरोना पॉजिटिव। सीएम मेदांता में भर्ती भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रिपोर्ट आई नेगेटिव। चंडीगढ़ और पंजाब के कई हिस्सों में आने वाले 3 दिन में होगी तेज मूसलाधार बारिश। कोविड-19 महामारी के बीच पंजाब सरकार ने उन ड्राइविंग लाइसेंस, RC और परमिट की वैधता बढ़ा दी है जो इस साल फरवरी को समाप्त हो गई है या 31 दिसंबर 2020 तक समाप्त हो जाएंगी। चंडीगढ़ में स्कीम शुरू होने से 5 दिन के भीतर ही 19,000 लोगों ने बनवाए कार्ड, 1 महीने में पूरे शहर के आबादी कवर कर सकते हैं। किशनगढ़ के भवानीपुर में शराब ठेके के खिलाफ स्थानीय लोगों और युवा कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन, झड़प, युवा कांग्रेस भी के कई नेता भी गिरफ्तार। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर लौटूंगा आपके लिए कुछ देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे साथ बने रहिए। अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताज़ा अपडेट्स और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव।